कहते हैं निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तनु विकृतानि यदाति हर्षोत्पुलका सुगदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। रोने लग जाता है, नाचने लग जाता है, रौति रौति माने उच्च स्वर से बुलाने लग जाता है, गोपाल। ठाकुर जी दिखाई पड़ रहे हैं पल्ली पार, वो भगत है इस पार में उल्ली पार, गोपाल कह के बुलाने लग जाता है, उच्च स्वर से बुलाने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। कैसा हो जाता है, बोले यदाग्रह ग्रस्त इव क्वचिद्ध सत्याक्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुष्व सद्वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्मपति गतत्रपा। वो महाराज ग्रहग्रस्त की तरह, जैसे कोई ग्रह से ग्रसित हो गया हो, पिशाचक ग्रह से ग्रसित हो गया हो, ऐसा लगता है वो प्रेमी भगवान का भक्त पागल की तरह ग्रहग्रस्त की तरह हो जाता है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है। ठाकुर जी की लीलाएं देखकर हंसने लग जाता है, ऐसी लीलाएं होती हैं उनको देखकर उसको हंसी छूटती है। अब लोग सोचते पागल हो गया, बताओ क्यों हंस रहा है। एक घटना हम आपको सुनाएं, हमारे पहाड़ी बाबा खाक चौक वाले महाराज जी के पास एक भोले भाले ब्रजवासी आते थे। अब उनका शरीर है कि नहीं भगवान जाने, बहुत पुरानी बात है। खाक चौक में ये जो दुकानों में कंपनियों में छोटी मोटी कंपनियों हिसाब किताब बनाने का काम क्या कहते हैं उसको, लिपिक वाला काम, लिख हाँ नहीं लिखने वाला काम को जोड़ना हिसाब, जिसको अकाउंट जोड़ना जोड़ना वगैरह कहते, जो भी हो वो छोटा मोटा काम करते थे वो, और उससे उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था, और अच्छे साधक थे। और महाराज जी को जब आते थे तो चेक काट के देते थे पहाड़ी बाबा महाराज, जो चेक काट के 50 रुपया का, 100 रुपया का, कभी 500 रुपये का, ऐसा चेक काट देते, और काम भी उतना ही करते थे जितने में उनको थोड़ा बहुत अपना चल जाए, ज़्यादा नहीं। खूब नाम जप करते थे, विवाह नहीं किया था। तो महाराज जी से बोले कि बाबा सरल साधन बताओ भगवान के दर्शन का। तो महाराज जी बोले गैयान की सेवा करो खूब राम राम करो, ऐसी सहज बोली, गैयान की सेवा करो खूब राम राम करो। बोले अब सब काम छोड़ के गैयान की सेवा करूँगा। महाराज जी ठीक, कहाँ करोगे, यहीं करो। ना बाबा यहाँ ना करेंगे, यहाँ तो जहाँ मेरे ऊपर गौ सेवा होगी वहाँ करेंगे, थोड़ी गौ सेवा जितने मैं कर सकूँ। ठीक है, तो कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं, प्राइवेट थी, जितना काम किया उतना पैसा मिल गया, ऐसा काम था उनका, जैसे कहीं बैठ के कुछ हिसाब किताब लिख दिया उतना पैसा मिल गया, ऐसे कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं उनकी विचारों की। तो वो गए कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्म स्थान, वहाँ उस समय श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज विराजमान थे, चक्र दादाजी। तो वो गए वहाँ, बोले हमको गौ सेवा में रख लो, गौ सेवा करेंगे। गौ सेवा करना आता है, बोले हाँ आता है, गांव के हैं, ब्रजवासी हैं, गैया की धार काढ़ना, न्यार बनाना, सानी बनाना, सब काम आता हम पे गैया का, तो क्या लोगे। और देखो ठाकुर जी की लीला, वो ग्वारिया भग गया जन्मभूमि का, उसी समय ग्वारिया भग गया, किसी बात पे हो गई, कहा सुनी व्यवस्थापकों से, वो भग गया ग्वारिया। हम लोगों का नवरात्र विजयादशमी सब सफल हुई, पूज्य महाराज जी का मंगल में दर्शन करके। तो दास जो निवेदन कर रहा था उसे हम पूरा करें। ग्वारिया उसी समय चला गया और वो ब्रजवासी विप्र शर्मा जी हम लोग कहते थे उनको,
वो शर्मा जी गए वहाँ, बोले हम गौ सेवा में रख लो हमको। और क्या लोगे, ग्वारिया उसी दिन भाग गया, क्या लोगे, गैया की सेवा करना था, गांवड़े के हैं, सेवा करना तो गैया की धार काटना, सानी बनाना, निहार डालना सब आता है, तो क्या लोगे। तो भूले भाले थे, बोले तुम पे बने तो कपड़ा और भोजन दे दीजो। तो कहा है नहीं हमें कछूना है चाहिए, भोजन दे दीजो, भोजन मत दीजो। बोले हम पे व्यवस्था है, हम भोजन भी अपना कर लेंगे, सेवा करेंगे, हमको केवल गो सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गो सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले बहुत बढ़िया आदमी मिल गया, सीधा साधा है, बढ़िया मिला, गौ सेवा करने लगे। बोले भोजन तो कोई कमी नहीं, ठाकुर जी को भोग लगता है, कृष्ण जन्मभूमि की बात है महाराज जी, भोग लगता है तो मिल जाएगा तुमको प्रसाद, रोज मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा, प्रेम से करो। और हाथ खर्च चाहिए तो वो भी मिलेगा बिना संकोच, चक्र जी महाराज थे उस समय, हाथ खर्च चाहिए तो वो भी ले लो। पर उन्होंने बताया जो महाराज जी को, पहाड़ी बाबा महाराज से, बोले हमको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सेवा करने लगे, दिन रात गौ सेवा में रहते और खूब नाम जप करते, महामंत्र का जप करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते रहते और गैया की सेवा में लगे रहते। कहते उन गैयों का हमसे इतना प्रेम हो गया कि हम ओझल हो जाएं तो गैया रमाने लग जाएं, इतना प्रेम गायों से हो गया। बहुत प्रसन्न गाय, एक श्यामा गैया थी, एक गौरी गैया थी, एक का नाम श्यामा था, एक का नाम गौरी था, दोनों सुंदर देशी गैया। तो ले सेवा करते करते हमको 7-8 महीना हो गए, और हमन में सोचे कि नाम जब भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बाबा ने तो कही के राम राम करो, गौ सेवा करो तो भगवान मिल जाएंगे, हमको तो कुछ हुआ नहीं। तो बोले हम गैया प्रेम से बैठ के जुगाली कर रही, एक खड़ी थी श्यामा खड़ी थी और गौरी बैठी थी, और हम माला झोली लेके महामंत्र का जप कर रहे थे, और मनी मन सोच रहे थे कि हम तो कृष्ण जन्मभूमि जैसी जगह में रह के खूब भाव से सेवा करी, तन मन से सेवा करी, पर हम तो कोई अनुभव नहीं हुआ हमको, बड़ी व्याकुलता। तो बोले हमारे मन में आया कि अरे हम बहुत पापी हैं, पता नहीं कितने जन्म के पापी हैं, इसलिए हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा। बहुत ग्लानी हुई, भीतर से हम रोने लगे, हाय हाय बहुत बुरा, ठाकुर जी नहीं मिले, महात्मा थोड़ी झूठ बोलते हैं, महाराज ने तो कहा तो सही कहा, हमारी पात्रता नहीं है, हमको दर्शन नहीं हुआ। बोले हम रोने लगे, तब तक हमको क्या दिखता है कि जो गौरी गैया है उसके पेट में बाल कृष्ण लाल खेल रहे हैं, उसके पेट में सफेद श्वेत रंग की गाय, नील प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि वो लाइट ऐसी पर्दे पर पड़ती तो उस पर चित्र दिखने लग जाता है, तो ऐसे बोले वो गाय के पेट में बाल कृष्ण खूब खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर से उधर खेल रहे हैं पेट में। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ठाकुर जी कहते अनुभव नहीं, अनुभव ठाकुर जी तो एक गौरी के तो पेट में खेल रहे हैं ठाकुर जी, बड़ी प्रसन्नता देख करके बहुत आनंद हुआ। ठाकुर जी बोले मेरी तरफ देखते हैं, फिर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं। तो हमारे मन में आया कि एक गौरी तो लगता है ठाकुर जी को विशेष प्यारी है, श्यामा बिचारी इसको भगवान का अनुभव नहीं हो, इसमें भगवान नहीं खेल रहे हैं। तो हमने श्यामा की तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा, वो खड़ी थी, तो बोले लड़ावनी में उसकी सांस ऐसे जा रही, ऐसे श्वास लेन छोड़ती निकलती ना, तो श्वास जैसी श्यामा गाय की निकले तो उसे नीलवर्ण की कांति निकले और बालकृष्ण लड़ावनी में प्रकट हो जाए। अब वो श्वास खींचे तो फिर श्वास के नाक के द्वारा फिर भीतर चले जाएं,
तो बोले यहां से नाक से बाहर, फिर नाक से भीतर। बोले ये दृश्य जब हमने देखा तो हम जोर जोर से हंसने लगे। पहले तो रो रहे थे और जोर जोर से हंसने लगे। अब हंसी ही मेरी न रुके। भगवान नाक से निकलते हैं, नाक में घुस जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, लड़ावनी में चले जाते, लड़ावनी से भीतर, फिर लड़ावनी से फिर पेट से फिर लड़ावनी में नाक के द्वारा। तो इस दृश्य को देखकर बोले मैं जोर जोर से हंसने लग गया। तो वहाँ के व्यवस्थापकों ने हमको निकाल दिया। बोले इसका दिमाग फिर गया है, कोई पागल वागल हो गया है, इसको तो कोई इलाज विलाज की ज़रूरत है। तो कहते हमको वहाँ से भगा दिया, बाहर निकले ठीक हो गए। तो ये सारी घटना उसने महाराज जी को सुनाई। ये सुनाते समय दास उपस्थित था। गो सेवा से भगवत प्राप्ति। तो अब वहां उसने जो बताया कि मुझे पागल मान करके हटा दिया गया, क्योंकि मैं हंस रहा था, मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही थी, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। यही बात श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् धसत्याक्रंदते ध्यायति बंधते जनम मुहुसस्वन श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्मगतिर्गतत्रपः। ग्रहग्रस्त की तरह जैसे किसी ग्रह ने ग्रस्त लिया हो, कभी हंसने लग जाता है, कभी चिल्लाने लग जाता है, कभी ध्यान करने लग जाता है, और कभी सभी प्राणियों को प्रणाम करने लग जाता है, क्योंकि उसको सर्वत्र भगवान दिखाई देने लग जाते। वासुदेव सर्वविति स महात्मा सुदुर्लभा, सब कुछ वासुदेव है ऐसा वह अनुभव करने लग जाता है। भगवत भाव से सबका वंदन करने लग जाता है, क्या ब्राह्मण क्या चांडाल, सबको प्रणाम करने लग जाता है। और भगवत भावना करते करते कभी कभी संकोच छोड़ करके प्रेम में विभोर होकर के लंबी श्वास प्रश्वास खींचने लग जाता है। कभी कहता हे नारायण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे गरुड़ध्वज, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर इत्यादि नामों को ले ले करके रोने लग जाता है। कभी हे हरे, हे जगतपते, हे नारायण कह करके रोने लग जाता है। तो कहते हैं उस समय भगवत भाव के कारण उसके संपूर्ण कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं।